देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत दिवस को कांग्रेसियों द्वारा बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने चेतना तिराहा स्थित स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी अमर रहे। आज हमारी नेता, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी की पुण्यतिथि है, आज शहादत दिवस है। हम बताना चाहते हैं आज के उन पीढ़ियों को कि किस तरीके से इंदिरा जी के एक एक खून का एक एक कतरा देश की एकता और अखंडता के लिए काम आया, किस तरीके से इंदिरा जी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सोचा करती थी। आज ट्रैक्टर और तमाम आधुनिक कृषि यंत्र आज उनकी देन है। आज पटेल जी की भी जयंती है और हम पटेल जी को भी नमन करते हैं, जन्मदिन उनका मनाते हैं और बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस पूरे देश को बता देना चाहते हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये मान लिया कि कांग्रेस के जो नेता थे वो बड़े ही कद्दावर थे, उनको एक लेके चलने की ताकत उनके अंदर थी, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता थी। आज पटेल जी की भी जयंती पूरे धूमधाम से बीजेपी मना रही है हमारे नेता की, हमारे इंदिरा जी को पूरे देश के लोग याद कर रहे हैं। आज हम इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बांटने का काम नहीं किया, उन्होंने कभी सत्ता सुख के लिए हमारी एकता को जो है बांटने का काम नहीं किया। हम सदैव सबको लेके साथ चलने वाले लोग हैं और यही नेता ने, हमारे बड़े नेताओं ने हमें संदेश दिया है।